क्यों सो रहा है? गुड मॉर्निंग मैडम। तुझे यहाँ पे हम सोने के पैसे देते हैं? मैडम वो रात भर मैं ड्यूटी। रात भर क्या तू ड्यूटी करता है? हम लोग नहीं करते। सॉरी मैडम। सॉरी? आज यहाँ पे हमारी कंपनी के हेड आने वाले हैं, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उनके सामने? ठीक है मैडम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आगे से? आज ना तू पूरा दिन खड़ा होके ड्यूटी देगा, और अगर एक बार भी मैंने तुझे बैठा हुआ देख लिया तो तेरी नौकरी तो गई, समझा? इडियट। अरे विशाल। अरे अनमोल, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं तो बहुत बढ़िया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं, ये कंपनी मेरी है। सही है यार। एक काम करना, अंदर आ, चाय पिलाता हूँ। नहीं नहीं तू जा। अरे विशाल। हाँ बता भाई। यार ये बात अंदर किसी को बताइए मत कि मैं तेरा दोस्त हूँ। क्यों? अच्छा नहीं लगता ना, एक गार्ड एक बॉस का दोस्त है, सही नहीं लगेगा सबको। अरे कैसी बातें कर रहा है? छोड़ना, बस मत बताइए। चल ठीक। अरे विशाल का पेन गिर गया, काम करता हूँ, देख के आता हूँ। अरे विशाल ये तुम्हारा पेन रह गया। थैंक यू। प्रिया तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, एक इंसान के साथ कैसे बिहेव करते हैं? सर पूरा ऑफिस आपको सर कह के बुलाता है, और ये लोग ना अपनी औकात भूल जाते हैं। बिल्कुल चुप, इसके खिलाफ तो मैं एक भी बात नहीं सुनूंगा। सर आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपका कोई रिश्तेदार हो ये। मैं निकालता हूँ तुम्हें इस जॉब से। गेट लॉस्ट। क्या आप इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की वजह से मुझे इस कंपनी की जीएम को ऑफिस से बाहर निकाल रहे हैं? और हाँ, जाने से पहले एक बात और जान, ये सिर्फ एक गार्ड नहीं, मेरे बचपन का दोस्त। हम साथ में खेलते थे, खाते थे, साथ में रहते थे, और एक स्कूल में पढ़ते थे। नाउ गेट लॉस्ट। और हाँ अनमोल, कल से तुम कोई जॉब नहीं करोगे गार्ड की, कल से तुम मेरे साथ इसी ऑफिस में बैठोगे। लेकिन विशाल लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, ठीक है? कल से यहाँ पे चाहिए। ठीक है।